हम जिस युद्ध की बात करते हैं वो दैवीय युद्ध है। ये भूत प्रेत पिशाच निशाच रग्नि भयताल काल मारी मर इन्हें मारू तो शपथ राम, इनको मारने के लिए एक प्रहार है, ये देवी युद्ध है। तो इस देवी युद्ध में आप लोगों को इस प्रकार से बार बार हम यही कहेंगे कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। और फिर आने वाले समय में आप देखते हैं अपने आसपास में देख लो, कहीं भी देख लो, कितनी नकारात्मकता है। आप कैसे जी रहे, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, हम लोग खाने के लिए सोचते हैं, भोजन का सोचते हैं, शादी ब्याह का सोचते हैं, बाल बच्चों का सोचते हैं, मकान बनाना है वो सोचते हैं, गाड़ी होना चाहिए वो सोचते हैं, लेकिन एक विषय जो है इन सबके बीच में हम भूल जाते हैं, जो जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है वो होता है सुरक्षा का। उस सुरक्षा का जब विषय होता है, सुरक्षा की जब बात आती है, तो वहां पर हमारा कोई चिंतन नहीं चलता, वहां हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन प्रेतत्व के प्रभाव के कारण, असुरत्व के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं कुंठाग्रसित कर दी गई है, हम सोच ही नहीं पाते उस दिशा में।